सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से और इस चैनल का नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। जैसा कि आपको पता है मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको पोस्ट करके दिए हैं, सियाटिका, जॉइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, थोरेसिक पेन मतलब कमर का पीठ का दर्द, लंबर पेन मतलब कमर का दर्द, कॉकीजियल पेन मतलब कूल्हे की हड्डी का दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये बातें कहते हुए और लिखते हुए सुनी है हर चैनल पे, इवन मेरे चैनल पर भी, कि सर इसके लिए कौन सी दवा खाएं, उसके लिए कौन सी दवा खाएं, और उनका फोकस पूरे टाइम केवल दवाइयों पर रहता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स बॉडी में जॉइंट पेन के रूप में हो रही हैं या किसी भी तरह की समस्या अभी हो रही है इस ज़माने में, वो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी छोटी छोटी लाइफस्टाइल करेक्ट करके आप अपनी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हमारा पूरा पूरा ध्यान रहता है, इवन जो पेशेंट्स भी क्लिनिक में आते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो देखने के बाद आएँ, चैनल देखने के बाद आएँ, या उनको किसी ने रेफर किया हो, वो उनका ये फोकस रहता है कि आप क्लिनिक में जाएंगे और आपके डॉक्टर आपको कुछ जादू करेंगे। हाँ, हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक जादू जरूर कर रहे हैं, वो ये जादू है कि हम आपकी पूरी लाइफस्टाइल करेक्ट कर देंगे और आपका जो फोकस है, आपके माइंड का फोकस, आपकी बॉडी का फोकस, आपकी सोच का फोकस हम बदलेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आपकी लाइफस्टाइल करेक्ट कराएं, आपकी लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखें, उसको फाइंड आउट करें और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। आपके खाने में जो बदलाव आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे। आप उस बदलाव को जैसे ही करते हैं आपका सिस्टम करेक्ट हो जाता है। आपकी लाइफस्टाइल में सोना, उठना, खाना, पोस्चर करेक्शन, हर एक चीज़ शामिल है। इसका मतलब ये सीधा है कि आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, लेकिन यदि आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करते, अपना पोस्चर मैनेजमेंट नहीं करते, आपका भोजन का की व्यवस्था ठीक नहीं करते, खान पान में अनियमितताओं को कम नहीं करते, आपका सिस्टम 100% करेक्ट नहीं होगा। आपको आराम मिलेगा दवाइयों से, लेकिन आपको 100% क्योर नहीं मिलेगा चीज़ों के लिए, आपकी तकलीफ़ों के लिए। तो यदि आप अपनी तकलीफ़ों को ठीक करना चाहते हैं तो मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाइए आज से ही, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको मेहनत करनी है, क्योंकि हमने न जाने कितने सालों पहले वॉक किया था, एक्सरसाइज की थी, और बुजुर्ग लोग वॉक करते हैं, यंग लोगों से हिदायत है कि वॉक करने की जगह रनिंग करना चालू कर दें, वेट लॉस पे फोकस करें, वेट गेन पर फोकस ना करें, क्योंकि जितने भी लोग कमर दर्द, सायटिका, बैक पेन का या सर्वाइकल पेन या घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, या एंकल जॉइंट में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, सभी जगह जहाँ भी पेन है, वो अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और वो लोग एक्सरसाइज, योगा कुछ भी नहीं करते हैं, अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं उनका। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग वर्किंग पर्सन्स हैं, जो मार्केटिंग में हैं, उनके साथ तो बड़ी समस्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मार्केटिंग बना लिया, उनके टारगेट 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 इतने ज़्यादा हो गए हैं कि दिमाग उनका ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा हद तक। मुझे तो देखकर हैरानी होती है कि वो लोग अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो खाना कब खाते हैं, सोते कब हैं, टिफ़िन कब खाते हैं, खाते भी हैं कि नहीं, या जहाँ जाते हैं वहाँ उनको खाना मिलता भी है कि नहीं। थोड़ा ध्यान देना चालू कीजिए। जितने मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी घर से निकलें पूरा खाना खा के निकलें, एक नियम बना लें, छोटा सा नियम है, लेकिन भले ही वो गड़बड़ आपको लगता हो कि इतने जल्दी कैसे हो पाएगा, लेकिन नियम बना लें कि पूरा खाना खा कर निकलें, थोड़ी थोड़ी मात्रा ही सही, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खा कर निकलें, और एक बड़ा टिफ़िन लेकर निकलें। वो टिफ़िन के लिए आप अपनी बाइक में या अपने बैग में एक स्पेशल जगह रखें जहां आपका एक बड़ा सा टिफ़िन आ जाए, बाकी आपके जो कागजात हैं, बाकी सिस्टम है, वो आप फॉलो करें। लेकिन कोशिश करें इस बात को कि लाइफस्टाइल करेक्ट करने के लिए पूरी तरह फोकस रहें, माइंड को फोकस रखना जरूरी है। केवल दवाइयों से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, चाहे आप किसी भी पैथी में रहें, आपको अपना पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट करना है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट एंड इंटेलेक्चुअल लेवल सब कुछ ठीक करना है हमें। और सर्वाइकल पेन वाले मरीजों के लिए एक हिदायत है, प्लीज़ मोबाइल से दूर हो जाओ यार, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है,
वो आपको सर्वाइकल पेन क्रिएट कर सकता है और कर रहा है। दूध पीना चालू कीजिए। खाने में अलसी का सेवन 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। कच्ची अलसी लें, भूंजी हुई ना लें, पीसी हुई ना लें, लड्डू बनाकर ना लें। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। बॉडी हीट मैनेजमेंट के लिए गुड़ बहुत अच्छा है और शक्कर आपकी नुकसानदायक है। आप नींबू, संतरा, मौसम्बी बिल्कुल खाने में लेंगे और हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दीजिए। यदि ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं और साथ में योगा करते हैं, योग के कुछ पोस्टर्स हमने अपने वीडियोज़ में बताए, यदि वो आप करना चालू कर दें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको वो इतने हेल्पफुल रिजल्ट मिलेंगे, एकदम हेल्दी रिजल्ट मिलेंगे कि आपका विश्वास नहीं होगा कि आपने ऐसा कैसे कर पाया, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका वेट लॉस होगा। वजन कम करना बहुत ज़रूरी है। कमर दर्द के मरीज वजन नहीं कम कर पाते, इसीलिए हमेशा कमर दर्द की दवाई खाते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार हम यदि 100 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें 100 में से शायद 4 या 5 ही लोग हैं जो इतना फोकस रहते हैं, अदरवाइज 95% पीपल, 95, 96, even 97% लोगों ने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, वो केवल दवाई पे ध्यान देते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ सॉल्यूशन दवाई है। प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, सभी जगह का, सभी प्रकार का सॉल्यूशन दवाई नहीं होता, हर प्रकार के इलाज दवाई नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक करना है। जीवन शैली सुधारिए। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बंद कीजिए, हटाइए उसको। गुड़ाकू का यूज़ करते हैं, हटाइए उसको अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाला है, बड़ी बीमारियां लेकर आएगा जिससे आप निजात नहीं पा पाएंगे। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बचाव सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी चीज़ है, बचाव पर ध्यान दें। और बचाव का तरीका यही है कि आपकी जीवन शैली को सुधारें, खान पान नियमित रखें, बाहर शादियों में जाते हैं कोशिश करें बहुत हल्का खाना लें, बहुत मिर्च मसालेदार खाना कम कर दें, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स खूब लेना है। ये करिए, आपको करना ही पड़ेगा, बार बार बोलूँगा मैं आपको। आशा है ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आएगा और आपको, रोज इस बात के बारे में अक्सर बोलता हूँ कि आप करो, इसको करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया है, छोटे वीडियो वाली सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से वीडियो देखना है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जय हिंद, जय भारत।